Just dab it. It's really good to see you. क्या वजह रही? ये नहीं कहूँगा मेरा कम बैक है और ऐसा कुछ है, क्या आप इसको इतना ज़्यादा प्रीपॉन करना पड़ा फिल्म को, क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और एक्चुअली यू नो ये पिक्चर लास्ट ईयर रिलीज़ होने वाली थी, पता नहीं ये इतना रिलीज़ को इतना टाइम क्यों लगा, मस्ट बी सम प्रोड्यूसर या मेकर्स थिंग, बट फाइनली रिलीज़ हो रही है 15 जुलाई को। और ये प्रीपॉन इसलिए हुई क्योंकि ये मूवी लीक हो चुकी है एंड इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि बालाजी की दोनों पिक्चरें बैक टू बैक लीक हुई, पहली थी उनकी उड़ता पंजाब, अब है ग्रेट रन मस्त, इज़ वेरी सैड। एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए बट इट्स अ सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, आई एम श्योर कि लोग थिएटर में जाके देखना पसंद करेंगे। और यू नो एक कंप्यूटर पे देखना और लैपटॉप पे देखना डिफरेंट एक्सपीरियंस है एंड इट्स अ गुड मूवी, आई एम श्योर लोग इसे पसंद करेंगे, थिएटर में ही जाके देखेंगे। एंड यू नो इट्स वेरी सैड कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ओके, आई बी कंटिन्यू द सेम क्वेश्चन, यू नो जैसे आपने कहा कि इट्स वेरी सैड इस तरह की फिल्में लीक हो रही हैं, आपको लगता कहीं ना कहीं कुछ साजिश जैसा कुछ हो रहा है कि खास किसी एक मेकर को टारगेट करा जा रहा है? अगर आप देखें यू नो द वे यू सेड उड़ता पंजाब देन नादब बालाजी फिल्म दैट इज लीक्ड, एक्चुअली ये आया ना, आप मेकर्स को ये क्वेश्चन पूछिए क्योंकि आई थिंक दे विल बी द राइट पीपल टू आंसर, क्योंकि मेकर्स के अलग डिसीजंस होते हैं। हम आर्टिस्ट जब शूटिंग चलती है तभी हम आते हैं, और बाद में रिलीज़ करना, कैसे स्ट्रैटेजाइज करना, प्रमोट करना, पब्लिसिटी, एवरीथिंग वो मेकर्स पे डिपेंड होती है। और जब पिक्चर जब शूट करके ख़त्म होती है वो सेंसर में जाती है वो सब, तो आई थिंक मेकर्स शुड टेक केयर ऑफ इट और थोड़ा उनको यू नो केयरफुल या तो कॉशियस होना चाहिए इन सारी चीज़ें को लेकर। फिल्म लीक हो जाने के बाद जब आप एक आइटम सॉन्ग करती हैं उसी फिल्म के लिए तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं? डू यू एग्री विद दिस कि मेकर्स भी सोचते हैं कि एक सोनाली रावत और एक वो भी आइटम सॉन्ग हो, वो भी तीन तीन अलग अलग अवतारों में, क्योंकि आफ्ताब अलग तरह से विजुलाइज कर रहे हैं आपको, रितेश अलग तरह से विजुलाइज कर रहे हैं आपको, एक यू नो एक बूस्ट देगा फिल्म को, एक हाई देगा फिल्म को, डू यू एग्री विद दिस? एक्चुअली ये मूवी में मेरे 5 लुक्स हैं, 3 नहीं है, और बहुत ही मुश्किल गाना था क्योंकि बॉयज़ मुझे डिफरेंट डिफरेंट अवतार में विजुअलाइज़ कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, सो बहुत सारे प्रॉप्स यूज़ हुए हैं, बहुत सारी थीम्स यूज़ की है, बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनाए गए हैं, तो काफ़ी हेक्टिक था शूट करना और मज़ा आया शूट करके, क्योंकि थीम जैसे मैंने कहा फैंटेसाइज कर रहे हैं तो उसमें लेदर यूज़ हुआ है, रितेश मुझे साड़ी में विजुअलाइज़ कर रहा है, विवेक मुझे लेदर में जैसे मैंने हॉट पैंट्स पहने हैं उसमें विजुअलाइज़ कर रहा है, आफ्ताब जो है एज अ प्रिंसेस मैं कैसी हूँ उसमें विजुअलाइज़ कर रहा है, फिर वो तीनों लड़के मुझे बारिश में भीगते हुए विजुअलाइज़ कर रहे हैं, फिर मैं रोडियो पे हूँ जहाँ पे मैं बुल पे बैठी हूँ और वो रोडियो चलाते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट है, और तीनों लड़के मेरे ऊपर शैम्पेन स्प्लैश कर रहे हैं, हाउ कूल इज़ दैट? सो काफ़ी हेक्टिक था एक्चुअली शूटिंग करना, क्योंकि 4 दिन का रिहर्सल था और 4 दिन शूटिंग था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने कवर अप करनी। ओके, किसी को रिझाना चाहे इंडस्ट्री में तो किसे रिझाना चाहेंगे? मैं किसी को रिझाना नहीं चाहूँगी, आई थिंक आई एम क्वाइट केपेबल है ना, आई डोंट वांट टू डू ऑल दैट। ओके, अगर मेरे में वो बात है तो वो खुद भी लोग समझ जाएंगे। ओके, आप बीच में आपने कंप्लेंट भी की थी इंस्टाग्राम को लेकर, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली जब मैं बिग बॉस से बाहर निकली थी मेरे इतने फेक आईडीज़ बने थे और उसमें मेरी काफ़ी चीज़ें जैसे फैंस ने जैसे मैं एक आईडी बनाती थी वही सेम आईडी पे 10 अकाउंट्स खुलते थे, तो एक्चुअली इट्स गुड टू हैव फैंस, बट फैंस अगर सिरदर्द कर दिया हो जाए तो दैट इज़ अनडाउटली वो मूवी बनी थी फैन, तो सो आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू से के फैंस अभी वो दे शुड स्टॉप डूइंग ऑल दिस, ये इम्पोस्टर चीज़ें करना बंद करना चाहिए, और आई थिंक वो अकाउंट अभी भी शुरू है, मैंने तो अभी बंद करने की कोशिश की बट स्टिल वो आई थिंक सोशल मीडिया पे आपका कंट्रोल नहीं है। ओके, उसके अलावा समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आर डी बर्मन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आर डी बर्मन, यू नो आर डी बर्मन के संगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक आर डी बर्मन जो मेरी पहली पिक्चर थी एक्सपोज वो 60s में बेस्ड थी, तो हिमेश ने काफ़ी सारे गाने आर डी बर्मन के यूज़ किए थे जो काफ़ी हिट थे, सो आर डी बर्मन आई थिंक इज़ अ लेजेंड, और उनकी जो म्यूज़िक थी और वो जो डिस्को एंड
काफ़ी कैची था. और आई थिंक ऑल दिस यू नो हेलन के जितने भी गाने हैं जो मैं अभी भी सुनती हूँ, मतलब एट दिस एरा एट दिस एज ऑल्सो आई थिंक आर डी बर्मन इज़ टू गुड and I love him. Okay, there's a process happening in the industry where they're planning to make a biopic on R.D. Burman. Whom do you think is the best suit for the R.D. Burman? R.D. Burman? जी मैं एक्चुअली उनके बारे में ज़्यादा इतना पर्सनली जानती नहीं हूँ क्योंकि वो तब के तब थे, हम अब हैं. सो मैंने सिर्फ गाने सुने हैं और मेरे मॉम को भी R.D. Burman के गाने बहुत पसंद है. तो आई थिंक R.D. Burman का कैरेक्टर आई थिंक रणबीर कर रहा है. ये न्यूज़ है, कौन कर रहा है? At the moment, there's no information. ये लेकिन ऐसी बायोपिक बन रही है. It is there in the process. लेट R.D. Burman. आई थिंक सबसे बड़े फैन तो हिमेश रेशमिया ही है. उनको करना चाहिए. क्योंकि मैंने खुद देखा है कि वो उनके गाने काफ़ी रिवैम करते हैं. तो हिमेश या तो फिर आई थिंक विथ कोई म्यूजिक से म्यूजिक. टू डेज बिफोर आई स्पोकन टू इरफान खान, ही सेड आमिर खान इज द बेस्ट चॉइस फॉर आर्ट प्लेइंग. आई थिंक आमिर खान जी क्या क्या करेंगे, कितना है अभी. आई थिंक लेट्स गिव चांसेस टू अदर एक्टर्स ऑल्सो. एक ही ऑल द ओनली द खान एंड ओनली द कपूर्स, वाई नॉट. आई थिंक खुद इरफान खान ही कर ले, आई थिंक वो भी अच्छे चॉइस है. ओके द लास्ट क्वेश्चन टू यू, गिवन अ चॉइस किसके साथ काम करना चाहेंगे, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह, और व्हाट्स योर you know project in the pipeline? I think maine dono ke sath kaam kar liya already. Maine as a solo main dono ke sath kaam karna pasand karungi kyunki dono bahut hi talented actors hain and they are wonderful people aur maine dono ke sath already kaam kiya hai. So I would like to work with both of them. I think both are young, both are talented, so why not. Thank you so much. I just need channel ID. Hi, this is Sonali Raut, you're watching Houseful Action. Hi, this is Sonali Raut and you're watching Houseful Action. Thank you. Watch.